पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा, पार्वती अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंद की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यू बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत फाड़ो बापू। अच्छोरी। नहीं बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कापी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आँखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा कर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अगला जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है, उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माता तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है, है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, आनंदी बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। मैं अनपढ़, मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी,
और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई? मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? दी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुए और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है, कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। वो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भोला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन, ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं, तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी का लगा देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है, याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको, अब बोल और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना दो आंखों में फर्क करने समान है, एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा, वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मुझे बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ, मेरी बेटी लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू।
तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहते थे।